For now, shifting our focus to some big news come again, wherein Aftab has reached Delhi's Tihar jail and he has been kept in Tihar jail in the number 4 cabin, wherein he will be kept in a separate cell in the jail. Only one prisoner is kept in a separate jail. Now, the prisoner is not removed from this cell early and the food is served in the presence of the police. A security guard is always stationed outside the cell and the prisoners of this cell are kept separate from the rest of the prisoners. Now, Aftab is also going to be under the CCTV surveillance for 24 hours. And what we're learning is that he slept peacefully inside the jail as if he was sleeping in the lockup of the police station. Well, those are the latest updates coming in. And as far as Aftab is concerned, he was sent to judicial custody. Bringing in my colleague Mohit Om for more on this. Mohit, Aftab ko ek bar phir judicial custody mein bhej diya gaya hai. Par sabse pehle jankari denge unke polygraph test ki, jo kuch dinon se kiya ja raha hai. Kya wo conclusive raha hai aur kya kuch aage ka process rahega ab? देखिए, अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। पहले दिन जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लेके आए थे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे दिन उसने वो उस तरीके से जवाब नहीं दिए जिस तरीके से पुलिस जवाब चाह रही थी, क्योंकि लगातार वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अब नार्को टेस्ट की बात है, नार्को टेस्ट उसका सोमवार को यानी कि कल उसका संभव हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो प्री टेस्ट होने हैं वो एक दिन पहले करा लिए गए हैं। जितने भी प्री टेस्ट होते हैं, मेडिकल जितने भी टेस्ट होते हैं, वो कल दो बार उसको मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहां पर उसके टेस्ट किए गए थे। अगर जेल की करें तो आफ्ताब को कल शाम को तिहाड़ जेल लाया गया है, जहां पे जेल नंबर 4 में एक सीक्रेट सेल में रखा गया है। सीक्रेट सेल में क्यों रखा गया? क्योंकि आफ्ताब को लेके पुलिस को शक है कि इसके साथ कोई जो वहां पे मौजूद कैदी है वो कोई हरकत ना करे, इसके साथ मारपीट ना करे। क्योंकि जिस तरीके का आफ्ताब का केस सामने आया है, पब्लिक पुलिस को लग रहा है कि इसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए इसको सीक्रेट सेल में रखा गया है जहां से इसको बहुत कम बाहर निकाला जाएगा। अगर बीती रात की बात करें तो रात को करीब 7 बजे के आसपास वो जेल पहुंचा है, जहां पर उसको सीक्रेट सेल में रखा गया। रात को काफी अनकंफर्टेबल नजर आया है उसको। पुलिस से जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे सुरक्षा में, उनसे लगातार उसने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो उससे किसी की बात नहीं हुई है। रात को उसके जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दिया गया है। लगातार सिक्योरिटी जो है वो उसकी सेल के आसपास रखी गई है और एक सीसीटीवी कैमरा जो है उस पर 24 घंटे निगरानी में रखा गया है कि उसकी जो जितनी भी गतिविधियां वो सीसीटीवी कैमरे से देखी जा सके। तो फिलहाल अब वो जेल के अंदर है और नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट सोमवार को उसका होना संभव है। जी जी, और जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, जैसा कि आपने बताया, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, पर जितना भी हुआ है तो उसमें क्या कुछ जवाब जो है वो आफ्ताब की तरफ से आए हैं और क्या वो महत्वपूर्ण, किस तरह से महत्वपूर्ण रहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा कंक्लूसिव जो रिप्लाईज थे वो आफ्ताब से नहीं मिले, क्योंकि आफ्ताब से जिस तरीके से वो एक्सपर्ट्स की टीम जवाब लेना चाह रही थी, जो उसको पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही थी, उनके सामने बहुत ज्यादा चीजें निकल के नहीं आई हैं। खासकर से जो मेन चीजें थी, जो श्रद्धा के सिर का टुकड़ा कहां फेंका हुआ है, सिर का हिस्सा वो कहां फेंका है, हथियार कहां से लिए, उसने लगातार बगड़ाने की कोशिश की है। पहले वो बोल रहा था कि उसने एक हथियार से श्रद्धा की मौत की हत्या की है, लेकिन बाद में उसने बोला कि उसने अलग अलग चाकू बरामद की है। उसने वही बातें दोबारा बताई जो पुलिस की रिमांड में वो बता रहा था कि उसने फ्रिज खरीदा था, फ्रिज में टुकड़े रखे थे, उसने काफी रिसर्च किया था और रिसर्च के बाद जो है लाश को ठिकाने लगाया था। तो तमाम बातें वही सामने उसने रखी हैं जो बातें पहले रिमांड में रख रहा था। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें हैं वो पुलिस को निकल के नहीं आई हैं। इसलिए अब नार्को टेस्ट पुलिस आगे देख रही है और हो सकता है कि नार्को टेस्ट में वो चीजें पुलिस के सामने आए जो पुलिस जानना चाहती है। जी, सो आफ्ताब हु हैज बीन सेंट टू 14 डेज जुडिशियल कस्टडी हैज बीन केप्ट इन तिहाड़ बैरक नंबर 4 एंड वेयर नो इनमेट्स आर गोइंग टू बी देयर। And the food is also going to be served under the police vigil. Thank you, Mohit, for sharing all those details.